मन मकुर सुहार भर न उरन पर विमल जस जो दायक प्रचार तब हीन तन जान के सुमरव पवन कुमार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर राम रूप अद्भुत बलरामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुदेशा पानन कुंडल कुंचित केसा आज बज और बजा विराज काले मुंज जनेऊ सारे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगदंबर सीतावान गुणी अतिकातुर राम काज कर भेको आतुर प्रभु चरित सुन भेको रचिया राम रतन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर सियहि आवा विकट रूप दर दंत चरावा भीम रूप दर असुर सहारे रामचंद्र जे काज संवारे आए सजीवन लखन जे आए रघुवीर हरस और आए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई कैसे बदन तुम रो रस गावे अस कैसे पति कंठ लगावे सन काज ब्रह्मा ने मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कवि कुबेर दिगपाल जहां दे कवि गोविंद कह सके कहां दे तुम उपकार सभी मैं राम मिलाए राजपद दीना तुमरे मंत्र में भीषण दाना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस जो जन परवान लियो तार मधुर बल जानू प्रभु मोज काहे लोके माई जलद लाल गए अचरज नाही दुर्गम काज करत के जीते सुमन अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे बारे लोक नाज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम राक्षस काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान चुरावे मन क्रम वचन ध्यान जो भावे सत पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई गावे कोई अमृत जीवन फल पावे चारों गुण पर काप तुम्हारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट से अशिवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रहो भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंतकार रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन हरि हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे में भय सब पीरा जो सुन गए हनुमत बल दीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत्य बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा पीले नाथ हृदय में तेरा पवन तने संकट हर मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहि हृदय बसो सुन रूप सिया भज राम जय जय राम हे प्रभु राम जय कल्याण मंगल भयं मंगल दशरथ गजर बिहारी दीन दयाल विनद संभव हनुमान की जय।
हमारे ब्रज क्षेत्र के और आगरा मंडल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर परिपट पर जो चारों तरफ समाज के लिए जो कार्य करते हैं, विश्व हिंदू महासंघ के आगरा मंडल के जिलाध्यक्ष, प्रधान एसोसिएशन आगरा मंडल के अध्यक्ष और गांव सेरवा के अध्यक्ष प्रधान रहे हमारे राजेश पहलवान जी, दो शब्द कहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। आदरणीय परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री गुरुदेव राधे राधे बाबू जी के छोटे बेटा के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ सभी प्रेमियों का प्रसाद पूजन हुआ और आज बेटा को यश तन मन धन की वृद्धि के लिए हमेशा ऊंचाइयों को बुलंदियों को छूता रहे, हनुमान जी उसकी सब सर्व सुख प्रदान करें, सब इच्छाओं की पूर्ति करें, बहुत बड़ा आदमी बनाए हमारी समाज, हम सभी बेटा पर गर्व करें। और मैं मानता हूं कि जो गुरु जी के पुण्य कर्म हैं और जो समाज की सेवा है, ईश्वर भक्ति है और गुरु जी को जो संतान रूपी रत्न प्राप्त हुए हैं, उनके लिए मैं ही नहीं सारा समाज उनकी सराहना करता है। कोई अच्छे पुण्य कर्मों का फल है जो गुरु जी को दो बेटे संतान प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत ही अनमोल, बहुत सुंदर, सुपात्र बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि घर घर नहीं मिलते। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी के परिवार को हमेशा मंगलमय बनाए रखें, सर्व सुख प्रदान करें, परिवार हमेशा खुशी रहे, ईश्वर की कृपा बरसती रहे और गुरु जी का यश चारों तरफ फैलता रहे और हम जैसे भक्त और बच्चों पर गुरु जी की हमेशा कृपा बनी रहे। गुरु जी हमारे ब्राह्मण संघ में ब्रज की सेवा कर रहे हैं, ब्रज के अध्यक्ष हैं और गुरु जी विश्व हिंदू परिषद में ब्रज के अध्यक्ष हैं, संत सुरक्षा मिशन में महासचिव हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गुरु जी के अनेकों शिष्य जो पूरे दिन अपना दुख लेकर गुरु जी के पास आते हैं और गुरु जी उनका दुख दूर करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, ऐसी महान विभूति। मैं ये नहीं कहता कि गुरु जी सबके दुख दूर कर दें, क्योंकि सबके दुख तो किसी पे दूर नहीं होते, स्वयं भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते, लेकिन मैंने जो देखा है गुरु जी का, जो व्यवहार देखा है गुरु जी का, जो तप देखा है, ज़्यादातर गुरु जी के पास जो आते हैं, जो 20-25 साल से जुड़े हुए भक्त हैं, वो गुरु जी का यशगान करके ही आते हैं। और ऐसी परम विभूति भगवान जो कि हमारे ब्रज क्षेत्र में बरका गांव, जैसे कि हम रात और दिन परिचित थे, एक ऐसी विभूति पैदा हुई बरका धाम में जो कि चारों तरफ भारत में अपना यश प्रकट किया और बरका धाम बना के एक गांव को बरका धाम बनाकर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर ब्रज भूमि में वृंदावन में आश्रम बनाकर, दिल्ली में आश्रम, बल्लभगढ़ में आश्रम, जो धर्म का प्रचार राधे राधे गुरु जी महाराज कर रहे हैं, हम उनके इस धर्म प्रचार से बहुत ही खुश हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। भगवान उनको हमेशा खुश रखे, दीर्घायु प्रदान करें और सभी भक्तों का उनका आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ साथ मैं भैया मनीष को, मोनू को, सभी के द्वारा अवतरण दिवस की, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। हनुमान जी से हम सभी प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा का आज पाठ करके हमने मोनू भाई के लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना हनुमान जी से की है और हमारे हनुमान जी साक्षात ईश्वर हैं इस जगत के, वो सर्व सुख प्रदान करेंगे भाई को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान। अब हमारे बीच में है आदेश यादव जी, अध्यक्ष युवा मोर्चा फरीदाबाद, चेयरमैन केडी एजुकेशन ग्रुप ऑफ हरियाणा और अहिरवाल के बहुत ही उभरते हुए राष्ट्रीय चेहरा आदेश यादव राव साहब जी, दो सब अपने मुखार बिंदु से। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम और गुरु जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो इस लायक गुरु जी ने हमें समझा, आज अपने छोटे सुपुत्र मनीष शर्मा
जो हमारे आने वाले एडवोकेट हैं जो वकालत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मानव रचना यूनिवर्सिटी से, उनके सभी साथियों को मोनू भाई की बधाइयाँ। मैंने देखी उनके सभी साथी फेसबुक पे दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं और ये भविष्य की उस राह पे जा रहे हैं कि इसमें पिताजी ने तो जग कल्याण का काम किया और आगे हमारा छोटा भाई मोनू मनीष जो हमारे वकील साहब भविष्य में बहुत जल्दी बनने वाले हैं, वो आगे कानूनी शिक्षा के साथ साथ भी जगत का कल्याण करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बड़े भाई भारत शर्मा जी जो गुरु जी के बड़े सुपुत्र हैं, वो गुरु जी का एक कुछ अच्छे कर्मों का फल होता है जो भगवान कई सदियों में ऐसी औलाद एक पिता को मिलती है जो एक जग का कल्याण में लगी हुई है, एक दूसरा कानूनी शिक्षा से जग का कल्याण करेगा, एक भविष्य को बता के। आज मंत्र विज्ञान प्रोग्राम लाइव आप सभी देखते हैं, पूरा लाइव चलता है, उसमें भारत शर्मा जी लाइव रहते हैं और सभी साथी मेरी सभी से यही प्रार्थना है उस प्रोग्राम को देखें, जुड़ें और हमारे छोटे भाई को अपना आशीर्वाद दें, उसे कामयाब करें और हर व्यक्ति उनकी एक बार सलाह परामर्श उनसे ज़रूर लें। जिसके गुरु जो पिता हों, जब पिता गुरु बन जाते हैं तो उस शिष्य को रोकने वाला, उस बच्चे को रोकने वाला कोई नहीं। अब हमारे बीच में राकेश शर्मा उद्योगपति बिजनेसमैन लोहा मंडी के प्रधान राकेश शर्मा जी अपने दो शब्द रखेंगे। सभी को राधे राधे। आज मेरे छोटे भाई मनीष शर्मा का जन्मदिन है। पहले तो सबसे पहले उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको ही पता होगा राधे राधे जी मेरे चाचा श्री हैं। हमारा तो बाद में पहले सारी क्षेत्र की जनता को, ब्रज मंडल को, सबको उनका इतना प्यार और आशीर्वाद सब पे है कि हमको कभी भी कमी महसूस होती नहीं है। जब भी हम ब्रज क्षेत्र में जाते हैं हमको वहाँ पे इतना प्यार मिलता है, किसकी वजह से? हमारे चाचा से नहीं मिलता, हमारे पिता तो हमारे चाचा जी हैं। और पूरे क्षेत्र को कभी भी किसी की भी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। हम हर तरीका से आपके चरणों में नतमस्तक हैं, पूरे ब्रज क्षेत्र पूरी जनता। इतना ही हम आपसे इतना ही चाहेंगे कि हमें यही प्यार आप देते रहें जैसे देते आए हो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को थाम लेते हैं। संगीतकार हैं और देश विदेश में प्रख्यात हैं मनीष शर्मा, जिनको ब्रह्मचारी भी कहते हैं, वहीं जाके ले आया। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मेरे छोटे भाई मनीष शर्मा का जन्मदिन है। आज के बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा हमारे घर पे, बहुत ही आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, सभी का सभी कृपा बनी रहे, सभी को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई कहाँ है? सबसे लाड़ले बेटे का जन्मदिन है आज, है नहीं? मेरा प्यार ऐसे नहीं बना रहे, अरे इनका मेरे ऊपर बना रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।